है 40 इंची का, जो कि नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है। VGS वोल्टेज बन रही है बट VGS वोल्टेज नहीं बन रहा है, और उसको आज हम रिपेयर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाना, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करना, ताकि मैं और भी वीडियो बनाऊँ। दोस्तों होता ही है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ बट आप सब देखते नहीं हो लास्ट तक और उसको शेयर नहीं करते हो, तो मज़ा नहीं आ रहा है दोस्तों वीडियो बनाने में, बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी मैं डाल रहा हूँ, मैं आशा करता हूँ कि और भी रिपेयरिंग का वीडियो आप तक डालूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी को दबा लेना, ताकि और भी वीडियो मैं आप तक ला सकूँ दोस्तों। और मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि जहाँ से आप टिकॉन बोर्ड मदरबोर्ड यहाँ से अगर सेल खरीदते हैं तो लिए गए नंबर व्हाट्सअप है, उस पर जाके आप खरीद सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं फेस के साथ वीडियो बना रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बताता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप जब तक डॉकेट नंबर नहीं ले तब तक पेमेंट नहीं करें दोस्तों। इसमें आपको मेरे ऊपर ब्लेम करते हो दोस्तों, तो ऐसा ना करें प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डॉकेट नंबर लेके ही आप टिकॉन बोर्ड या मदरबोर्ड ले, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये सब बात की बात है, सेल आप सेल्समैन से बात कर लेना। बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं रिपेयरिंग का ऑल टू ऑल आपको वीडियो बताने वाला हूँ, जो कि 40 इंची का टीवी आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इजीली कैसे रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो प्लीज वीडियो में आ चुके तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं किए हो तो, अगर कर रखे हो तो बहुत बड़ी बढ़िया बात है दोस्तों। नहीं किए हो तब मैं बोला हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में जरूर मेरे वीडियो को शेयर करना, और मैं एकदम ट्रिक वाली वीडियो बताने वाला हूँ कि कैसे आप 40 इंची का टीवी रिपेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत आपका टाइम बर्बाद किया, अब मैं स्टार्ट करता हूँ वो वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यही 40 इंची का टीवी है जो मैं आपको बता रहा था, और देख सकते हैं ये टीवी है, और इसमें जो प्रॉब्लम है वो नो डिस्प्ले है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, इसको कर लेते हैं हम ऑन। ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। बैक कवर को एक बार लगा के फिर ऑन करते हैं, देख सकते हैं नो डिस्प्ले प्रॉब्लम है इसमें, पिक्चर नहीं बन रही है, बैक लाइट जल रही है, अंदर से जल रही है ना बैक लाइट, बट पिक्चर नहीं बन रही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ऑल टू ऑल आपको वोल्टेज बता देंगे कि कहाँ कितना वोल्टेज बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो पार्ट बाय पार्ट वीडियो है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं 12 वोल्ट, देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट बन रही है। इसके बाद हम VGL चेक करेंगे, यहाँ पर जो VGL वोल्टेज आती है यहाँ पे, हाँ VGL आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दूँ मैं आपको, तो ये VGL वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो VGL यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं VGL अभी 6 वोल्ट बन रही है दोस्तों, 6 वोल्ट बन रही है। अब इसके बाद हम VGS चेक कर लेते हैं, ये रही VGS वोल्टेज, तो VGS नहीं बन रहा है दोस्तों, बिल्कुल भी VGS वोल्टेज नहीं बन रहा है, देखते हैं ये पीछे यहाँ पर नहीं बन रहा है, ठीक है। और भी वोल्टेज मैं चेक कर लूँगा जो कि यहाँ पे आ रहा है, यानी उसके बाद ट्रांजिस्टर पे जितने भी वोल्टेज आते हैं वो सब चेक कर लेंगे VGS, क्योंकि VGS तभी ब्लॉक होता है जब IC से या वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रही है या ट्रांजिस्टर लगी हुई है उससे बूस्ट नहीं होती है, फिर भी ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए वीडियो लास्ट तक, देखें मैं क्या करने वाला हूँ, ट्रिक अच्छा बताने वाला हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर वोल्टेज ये VGS का बूस्ट करती है, और ये जो 15 वोल्ट यहाँ पर आती है दोस्तों, जो कि यहाँ पर 15 वोल्ट बननी चाहिए, इसके पीछे भी 15 वोल्ट, और इसके पीछे आप जो डायोड देख रहे हैं वहाँ भी 15 वोल्ट, लेकिन यहाँ पे बन रही है 1.7 वोल्ट, इसके पीछे बन रही है 11 वोल्ट, तो ये 11 वोल्ट सही बन रहा है। इससे आगे ये जो वोल्टेज है वो ड्रॉप कर रही है दोस्तों, मतलब आगे वोल्टेज नहीं आ रहा है, पीछे 11 वोल्ट सही बन रहा है, उसके बाद 15 वोल्ट बननी चाहिए डायोड के इस साइड, फिर ये ट्रांजिस्टर से इस साइड भी 15 वोल्ट बननी चाहिए। किसी किसी में डायोड के साइड 12 वोल्ट बनती है, बट ट्रांजिस्टर के अगले पिन पे जो आगे वही सिंगल पिन है उस पे 15 वोल्ट बनती है, तभी VGS ऑन होता है, बूस्ट मिलता है दोस्तों। तो 15 वोल्ट से बूस्ट मिलता है इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आपको ट्रांजिस्टर निकाल के दिखाता हूँ, जो ट्रांजिस्टर निकालने के बाद VGS जो 11 वोल्ट है वो आगे आती है या नहीं आती है, मतलब डायोड के इस पार कितनी वोल्टेज बनती है वो देख लेते हैं। तो मैं ट्रांजिस्टर को कर देता हूँ यहाँ पे ओपन, कर दिया मैं ट्रांजिस्टर को ओपन यहाँ पे, और अब ऑन कर लेते हैं टीवी, ठीक है। तो ये टीवी होने वाला है रिमोट से ऑन, क्योंकि इसका की बोर्ड भी ख़राब है,
तो मैं थोड़ा रिमोट ढूंढ लूँ, इधर ही रखा होगा। हाँ चलिए स्टार्ट मिल गया, अब इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया। अब मैं आपको ये वोल्टेज चेक कराऊंगा पहले, जो कि ड्रॉप कर रही थी 12 वोल्ट जो पीछे से आ रही थी वो ड्रॉप कर रही थी। तो मैं ट्रांजिस्टर के पीछे वाली पिन पे चेक करूंगा, एक मिनट रुकिए, पीछे वाली पिन पे चेक करना है, एक मिनट। देखिए 12 वोल्ट बन रहा है ना, तो ये ट्रांजिस्टर हमारे अंदर से शॉर्ट था जिसके वजह से वोल्टेज ड्रॉप कर रही थी। तो मैं क्या एक ट्रांजिस्टर लिया हूँ, दूसरा देख सकते हैं। अब इसको हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, ट्रांजिस्टर को लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि पिक्चर बन पा रही है नहीं बन पा रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे ट्रांजिस्टर को लगा देता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखें धन्यवाद। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। लास्ट तक फुल यहाँ तक देखने वाले धन्यवाद। और यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपको सही दिल से शुक्रिया करता हूँ। और भी वीडियो आप मेरा देखिए, बहुत सारे वीडियो देखिए, ताकि और व्यूज आए तो मज़ा आता है दोस्तों वीडियो बनाने में। जैसे मैं इंट्रो में बताया कि व्यूज आता है तो बहुत मज़ा आता है वीडियो देखने में, ऐसे ही मज़ा आता है। तो मैं ट्रांजिस्टर को इंस्टॉल कर दिया हूँ, देख सकते हैं। अब एक बार सोल्डरिंग कर लेता हूँ इसे, ठीक है, टचअप कर दे रहा हूँ इसमें। मैं लॉन्ग ही वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, बहुत सारा लॉन्ग बनाता हूँ ताकि आप समझ सके अच्छी तरह से मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए बहुत लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ मैं। अब क्या करने वाला हूँ, इसको ऑन करने वाला हूँ, एक मिनट। ऑन हो गया। अब एक बार वोल्टेज देख लेते हैं कि जो 15 वोल्ट मिसिंग हो रही थी मिसिंग है या बन गई। और मेरा VGS वोल्टेज पहले VGL चेक करके दिखाता हूँ आपको। VGL तो बन ही रहा था, फिर भी चेक करता हूँ एक बार, देख सकते हैं 6 वोल्ट बन रही है और VGS 29 वोल्ट बन रही है। दोस्तों 15 वोल्ट बन चुकी है, जो मेरा 15 वोल्ट मिसिंग था। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस टीवी को ऑन करने वाला हूँ, कवर को इधर कर लूँ और टीवी को उठाने वाला हूँ, उठा के ऑन करूँगा। तो आपको वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए मेरा टीवी ओके हो चुका है दोस्तों, देखिए एकदम अकाई आ गई, टीवी ओके हो गई। तो दोस्तों ऐसे ऐसे फॉल्ट हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो के लिए धन्यवाद।